मैं तो बीजेपी को वोट करने वाला हूँ यार, कोई भी है, क्योंकि मेरा वो रिश्तेदार है। अच्छा, तो उसमें मैं कोई छुपाने वाला भी नहीं हूँ कि ना मैं किसी से पार्टी से कोई डरता हूँ। और देखो कश्मीर में सारी एनसी, जम्मू में सारी बीजेपी और पुंछ जोरी में मिक्स, जैसे फार्मूला में कल सिनर से आया हूँ। ना तो बीजेपी का नाम नहीं है, ना इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। ऐसे ही कोई कैंडिडेट है उसको थोड़ा बहुत दिया होगा भाई तू, पर मगर कुछ नहीं है वहाँ एनसी जहाँ बीजेपी। जम्मू से हिंदू सीएम बन रहा है जैसे बीजेपी दावे कर रही है। सही पूछोगे तो एनसी का बनेगा सीएम, वो कोई छुपा नहीं सकता। शाम को आपको सारी रिपोर्ट आ जाएगी। 24 सीटें मेरे लगता है बीजेपी को मिलेंगी, जो मैं अपनी असेसमेंट लगाता हूँ। ये तो बड़े दावे भी करते थे लोकसभा में 400 पार, अब 50 के पार दावे कर रहे हैं। देखो टाइम होता है, हर आदमी का टाइम होता है। मेरा नाम है, 5 साल 10 साल रहेगा, उसके बाद दूसरा आएगा उसका भी। कोई भी बंदा, इंदिरा गांधी भी रही, उसने भी 15 साल किया तो 16वां साल नहीं मिला। तो क्या होता है, आदमी का कुछ तो कुछ गलतियाँ होती हैं 15 साल में, तो पब्लिक चेंज करती है। तो आप लोग भी सोचो कि एक आदमी कोई थोड़ा पूरी उम्र बैठा कर रखेंगे, नहीं मूर्ख नहीं। देखो हर आदमी जीतने की कोशिश करता है, कोई फार्मूला दूसरा लगाता है, कोई उधर झूठ बोलकर दूसरा तीसरा करके जीतने की कोशिश करता है। आप महबूबा भी पूछो, वोट भी कह, अब केजरीवाल बोल रहा है हरियाणा में मेरी भी सरकार बनेगी, सीट नहीं एक भी मिल रही, सीट एक भी नहीं मिल रही, तो सरकार कह रहा मेरी बन रही। तो इलेक्शन वाले तो सब दावे करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आपको मैं बताऊं, स्टील का दाम 50 रुपये आ गया है, काम ही कोई नहीं इंडिया में, ये जहां नहीं इंडिया में काम कोई नहीं है, टोटल बंद है। पिछली इलेक्शन से पहले का काम बंद पड़े हैं, अभी 2-4 महीने के बाद पूरे इंडिया में काम आएगा, मगर फिलहाल कुछ नहीं है। सीमेंट वाले मेरे दफ्तर बैठे होते हैं, स्टील वाले दफ्तर बैठे होते हैं, क्या ऑर्डर दो। वो रोड जो बना रहे हैं ना, इन्होंने गलत किया है। पहले काम दिया दूसरी कंपनियों को, वो फेल हो गए, लोगों ने बनाने नहीं दिया। आपको पता है जो ये बनाल रोग, बनाल साइड के लोग हैं, एक इतने गंदे थे, ये काम ही नहीं करने देते, वे दूसरा पाकिस्तान था। तो फिर जब ये फेल हो गई कंपनियां, उन्होंने चुनकर कोई अच्छा बीजेपी का मिनिस्टर था, उसने पता किया भाई जे एंड के में कौन काम कर सकता है। उनको बताया उन्होंने कि मैं टोल कनेक्शन का भी काम करता हूँ। उन्होंने एक नागर सिंह है जो थोड़ा बहुत वहाँ कर सकता है, तो मुझे बुलाया, मुझे कहा काम कर दो। मैं सर मैंने कभी किया नहीं, नहीं आपको ही करना है, तो मैंने बना कर दे दिया। पहला आदमी हूँ जो नेशनल हाईवे श्रीनगर का मैंने बना कर दिया, बाकी सब फंसे हुए हैं, टाटा क्या दूसरे क्या सब फंसे हुए हैं, अभी तक उनका काम ही नहीं चालू हुआ, तो हमने हैंड ओवर कर दिया। क्या लगता है ट्रेन जो है जो कश्मीर संभाग में जा रही है, जम्मू का टूरिस्ट जो है वो पहले भी नहीं था, अब खत्म हो जाएगा, 90% कम हो जाएगा सीधा श्रीनगर। तो सर सरकारों क्या कुछ करना चाहिए यहाँ की ताकि इकॉनमी? कुछ नहीं कर सकते बेटे, कुछ नहीं कर सकते, कोई हल नहीं है। देखो ये तो जो हमारे प्रधानमंत्री है उनकी सोच है कि कश्मीर में ट्रेन जाए, अच्छी बात है, मगर जम्मू का बिजनेस खत्म होगा, जम्मू का सिस्टम जो है वो चलने वाला नहीं है, वो पठानकोट वाला साहब हो गया, हम लोग खज्जल हो गए। तो हमें आगे पीछे बढ़ना चाहिए, जो आगे पीछे बढ़ सकता है उसको बढ़ना चाहिए। मतलब युवाओं को फिर हायर डिग्री लेके बाहर ही जाना, बाहर जाना चाहिए, जम्मू में कुछ नहीं, जम्मू में कुछ